नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। आज हम बात करेंगे ऐसी दो औषधियों के बारे में जिसे आपने बहुत ही अच्छी तरह सुना होगा या जानते होंगे। दोस्तों, यूं तो हम कहते हैं कि इन दोनों को मिलाकर पीना हमारे लिए अमृत से बढ़कर ही है। हम आज बात करेंगे दूध और हल्दी की। आप सब जानते हैं कि आयुर्वेद में दूध और हल्दी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि के रूप में माना जाता है या इसे यूज किया जाता है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगी इन दोनों के मिश्रण से हमें क्या क्या फायदे हैं। यूं तो हमें दूध का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए, इससे हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। साथ ही अगर हम हल्दी का भी प्रयोग करते हैं तो इससे भी हमें लाखों फायदे मिलते हैं। लेकिन अगर इन दोनों को मिलाकर हम यूज करते हैं तो इसके जो फायदे होंगे वो आपको चौंका सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों का मिश्रण आपके लिए अमृत से कम नहीं है। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि चोट लगने पर या खरोच लगने पर हम हल्दी वाला दूध क्यों पीते हैं। आज मैं बताऊंगी इसके क्या रीजन है। हम सब जानते हैं कि हल्दी एक एंटीबायोटिक का काम करता है, जिस वजह से हमें दर्द या चोट में बहुत जल्द आराम मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको चोट लगी है तो आप हल्दी वाला दूध लेने से आपको दर्द में बहुत कमी महसूस होगी और साथ ही आपका चोट बहुत ही जल्द ठीक हो जाता है। साथ ही अगर आप रेगुलर हल्दी वाला दूध लेते हैं तो इससे आपकी त्वचा साफ चमकीली होती है। अगर इसके साथ साथ आपको इन्फेक्शन या खुजली की परेशानियां हैं तो ये भी महज 2 या 3 दिनों में खत्म हो जाती है। सर्दियों के दिन में अगर आपको कोल्ड से परेशानी है, यानी सर्दी खांसी जुकाम से परेशानी है, तो आप हल्दी वाला दूध रेगुलर लेंगे तो आप इसे बहुत जल्द छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही अगर आप हल्दी वाला दूध रेगुलर लेते हैं तो इससे आपकी हड्डियां मजबूत होती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, पाचन शक्ति बढ़ती है और साथ ही अल्सर, डायरिया या फिर किसी भी पेट की परेशानी से छुटकारा मिलता है। आपके जोड़ों में दर्द है या फिर आपको गांठ की परेशानी है तो भी आप रेगुलर 1 गिलास हल्दी वाला दूध रोजाना लेंगे तो आप इन सारी परेशानियों से छुटकारा पाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को इस दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, या फिर अगर आपको बीपी के प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो आपको ये हल्दी वाला दूध नहीं लेना चाहिए। वैसे दोस्तों, हल्दी वाले दूध में बहुत गर्मी होती है, इसलिए गर्मियों के दिन में आप सिर्फ 1 ही गिलास हल्दी दूध का सेवन करें और ठंडी के दिन में निरंतर सुबह और शाम 1-1 गिलास हल्दी वाले दूध को इस्तेमाल करें। इससे आप बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा पाएंगे और निखरते चेहरे भी पाएंगे और लंबे बाल, घने बाल भी पाएंगे। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि हल्दी और दूध को मिलाकर पीने से न सिर्फ हमें चोट से छुटकारा मिलता है बल्कि बहुत सारी परेशानियों से राहत मिलती है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आप आज से ही हल्दी वाला दूध लेना स्टार्ट करेंगे और हमारे इस वीडियो को पसंद करेंगे। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।